भिलाई नगर थाना क्षेत्र में दो दिन पूर्व देर रात फ्लावर डेकोरेशन कर सेक्टर 6 लौट रहे सेक्टर 5 निवासी पी आदिल को सेक्टर 6 सी मार्केट के पास रोककर श्रवण बंगाली व मोहम्मद हमीद नामक युवक ने मारपीट कर उसकी दो पहिया वाहन मोबाइल व जेब से नगदी रुपए लूटकर फरार हो गए। भिलाई नगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के महज 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लूट का मशरूका जब्त कर लिया है। मामले की जानकारी भिलाई नगर थाना प्रभारी निरीक्षक एमएल शुक्ला ने कुछ इस प्रकार से दी। 2 तारीख को लगभग 11:30 बजे रात को पी आडिल नाम का सेक्टर 5 का आदमी दुर्ग से कुछ सामान खरीद करके सेक्टर 6 होकर के घर वापस आ रहा था। सेक्टर 6 के पास में दो लोग उसको मिले और उसकी मोटरसाइकिल को रोके और उसकी 70,000 रुपये की मोटरसाइकिल और उसका वीवो का एक मोबाइल और 500 रुपये उसके पास था, उसे उन्होंने लूट लिया, जिसकी रिपोर्ट वो दूसरे दिन लिखाया 3 तारीख को। उसकी रिपोर्ट पर धारा 394 का अपराध दर्ज किया गया और पुलिस के द्वारा पतासाजी करते हुए 12 घंटे के अंदर आरोपियों की पतासाजी करके दो आरोपियों के पास से उसकी मोटरसाइकिल, वीवो कंपनी का मोबाइल तथा 500 रुपये का पूरा मशरूका जब्त कर लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों में एक सरवण बंगाली है सेक्टर 6 का और एक मोहम्मद हमीद सुपेला क्षेत्र का रहने वाला है। दोनों लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और जिन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। इस प्रकार से 12 घंटे के अंदर लूट का मामला ट्रेस हुआ और उसका इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। जो श्रवण बंगाली है इसके खिलाफ में पहले के अपराध दर्ज हैं और हमीद के बारे में और जानकारी ली जा रही है।